नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। शीर्षक है यादगार पल। बात उस समय की थी जबकि राघव की नौकरी छूट चुकी थी। नेहा ही ब्यूटी पार्लर में काम करके थोड़ा बहुत कमा लेती थी। कुछ दिन पहले ही कंपनी के बंद होने के कारण राघव को नौकरी से निकाल दिया गया था। क्योंकि पहले राघव को अच्छा वेतन मिल जाता था, तो नेहा के ब्यूटी पार्लर से मिलने वाले पैसे केवल उसकी पॉकेट मनी में ही खर्च होते थे। दोनों ने एक फ्लैट भी लोन पर लिया हुआ था, इससे उन्हें किराया भी नहीं देना होता था। बहुत खर्चीले तो वे सदा से नहीं थे, लेकिन नेहा को घर सजाने का बहुत शौक था। इसीलिए वह अपने पैसों से घर सजावट का सामान लाती रहती थी। अपने लिए भी डिजाइनर सूट इत्यादि अपने पैसे से खरीदती रहती थी। राघव के पैसों से घर खर्च और फ्लैट के लोन के पैसे अच्छे से चुक जाते थे। पिंकू अभी बहुत छोटा था। इन दोनों की गृहस्थी बहुत खुशहाल थी। घर खर्च तो अभी नेहा के पार्लर के पैसे से ही चल रहा था। राघव को भी नई नई कंपनियों में इंटरव्यू वगैरह के लिए जाना होता था, इसीलिए कुछ पैसे नेहा को राघव को भी देने पड़ते थे। समय का फेर समझकर दोनों फिर भी प्रेम से रहा करते थे। राघव को इंटरव्यू के लिए दूसरे प्रदेश जाना था। नेहा ने अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे राघव को ट्रेन की बुकिंग के लिए और वहां खर्चे के लिए भी दिए। राघव को देने के बाद नेहा के पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि 2-3 दिन में कुछ कॉल मिल जाएगी और उन्हें इतने पैसे मिल जाएंगे कि कुछ समय आराम से कट जाएगा। पहली तारीख को तो पार्लर वाली मैडम भी वेतन दे ही देती है। अब नेहा कुछ घरों में भी बुलाने पर मेकअप करने के लिए जाने लगी थी, जिससे उसको कुछ अतिरिक्त आय हो जाती थी। राघव को दूसरे दिन इंटरव्यू के लिए जाना था, इसीलिए वह राघव का सामान लगा रही थी। तभी उसने देखा कि राघव की अलमारी के एक लिफाफे में बहुत सुंदर सूट रखा था। नेहा ने हैरान होकर जब राघव से सूट के बारे में पूछा, तो राघव ने कहा कि यह सूट नेहा के बर्थडे पर उपहार देने के लिए खरीदा है। बस फिर क्या था, एक तो वैसे ही नेहा घर बहुत मितव्यता से चला रही थी और दूसरा इतना महंगा सूट खरीदने के लिए राघव ने पैसे खर्च कर दिए थे। तो नेहा को राघव पर बहुत गुस्सा आया और उसने राघव को बहुत भला बुरा कहा। दूसरे दिन राघव सुबह 4 बजे उठकर जब स्टेशन के लिए गया, तो नेहा गुस्से में थी। उसने उससे कोई बात नहीं की, सिर्फ चाय उसके सामने रख दी। लेकिन राघव के घर से निकलने के बाद ही उसे बहुत आत्मग्लानी हुई और ख्याल आया कि मालूम नहीं राघव के पास पैसे हैं या नहीं। राघव ने उसके सूट खरीदने के लिए भी तो पैसे खर्च किए थे। वह बहुत घबरा गई थी और उसकी इच्छा हुई कि वह किसी तरह राघव को कुछ पैसे दे आए। पता नहीं राघव के पास पैसे हों या ना। वह कुछ पैसे लेकर घर से बाहर निकली भी, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था और घर में पिंकू अकेला सो रहा था। यह तो निश्चित था कि राघव ऑटो लेकर तो रेलवे स्टेशन तक नहीं गया होगा। शायद वह खड़ा होकर स्टेशन की बस का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन बाहर निकलने के बाद पिंकू को भी अकेले घर में छोड़ने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। उसका पूरा दिन आत्मग्लानी और दुख में ही बीता था। यह वह समय था जब मोबाइल का प्रचलन नहीं था। रात को जब राघव घर आया, उसने बताया कि उसे नौकरी मिल गई है। वह यही कोशिश करेगा कि उसकी नौकरी इस दिल्ली वाली ब्रांच में ही हो। अब यह आंसू आत्मग्लानी के थे या कि राघव की नौकरी लगने के, दोनों के आंसू बहते ही जा रहे थे। राघव ने नेहा से कहा, अब कल तुम यह सूट पहन लोगी ना, हैप्पी बर्थडे। वास्तव में उम्र के इस मोड़ पर आने के बाद भी नेहा और राघव उस बर्थडे को कभी नहीं भूल सके। आज भले ही राघव नेहा को उसके बर्थडे पर हीरे का सेट भी दिलवाता हो, लेकिन फिर भी शायद सबसे महंगा उपहार उसने नेहा को वह सूट ही दिया था। वह यादगार पल आज भी उन दोनों को गुदगुदा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये प्यारी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए,
जिसे मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।